चेहरों पे बनाए रखे। और मैं उससे पहले जानना चाहती हूँ, जब
तक मनीष जी आते नहीं है, हमें आगे ज्वाइन ही करते हैं, तब तक मैं जानना चाहूंगी आप कितने लोग हैं लखनऊ से, रेज योर हैंड एंड टेल मी। यहाँ साइड के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, सो बहुत सारी रिक्वेस्ट थी जो आप सभी के बीच में उन्होंने प्रेजेंट की थी। हम किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, आरंभ करते हैं, तो हमेशा हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं, यानी कि लैम्प लाइटनिंग के साथ करते हैं। तो हमारी शाम का बहुत ही प्यारा सा आगाज और शुभारंभ भी हम करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ। हमारे बीच में हमारे जो डिग्निटरीज हैं और जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं, उन सभी को मैं एक एक करके मंच पर बुलाने वाली हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। और आप सभी को तो पता है, आपको अपनी जोरदार तालियों के साथ उन सभी का वेलकम करना है। सबसे पहले आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री जी के अरोड़ा सर से कि वो प्लीज स्टेज पे आए, हमें आके ज्वाइन करें। एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, प्लीज वेलकम श्री जी के अरोड़ा जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पे आए, हमें आके ज्वाइन करें। विदाउट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री समीर अंजान सर से कि वो स्टेज पे आए, हमें आके ज्वाइन करें। विदाउट मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री दिलीप सेन सर से कि वो प्लीज मंच पे आए, हमें आके ज्वाइन करें। विदाउट आई रिक्वेस्ट श्री शहबाज खान सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन अस। विदाउट आई रिक्वेस्ट श्री इमरान खान सर, श्री अमन सर एंड श्री राजीव निगम सर, एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रिक्वेस्ट है सर रॉबर्ट लुई जी के चित्र पे आप सभी माल्यार्पण करें, और इसी के साथ साथ श्री पी एस मिश्रा जी के चित्र पे माल्यार्पण करें, एंड इसी के साथ साथ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी के चित्र पे आप माल्यार्पण करें और हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। चंद्र मिश्रा जी से कि प्लीज बताइए कैसा फील हो रहा है आज आपको, व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस इवेंट। हमको अच्छा लगता है जब देखते हैं कि हमारे ये बच्चे लोग जो हैं उत्साहित हैं और खुश हैं, बस हम इसी से खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिलीप सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आज इस प्रोग्राम में आके आपको कैसा लग रहा है, सबको देख के आपको कैसा लग रहा है। तेरे प्यार में पागल दे रहे हैं आप लोगों के लिए, मगर जो ये हमारे फनकार भाई साहब बैठे हैं उसी वक्त गाना कंपोज करके वो हरियाणा का जो नाम लेके चार इनके लिए तालियां बजाई है। मैं खुद इतना आशीर्वाद खास करके सर जी ने जो बच्चों का टूर्नामेंट रखा, मतलब हमारी जिंदगी में मैंने तो पहली बार दफा देखा कि आंखों वाले ऐसे छक्के नहीं मार सकते जितने इन लोगों ने मारे। आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो मेरे जितने पूजनीय यहाँ खड़े हैं सबका फिल्मों में बहुत योगदान रहा है, जिनमें समीर साहब जो खड़े हैं वो मतलब दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तक साथ में काम किया, मतलब दूसरी तीसरी चौथी में, यानी मेरे पोता। अब इनका गाना सुना होगा ना, बाला ओबाला ओबाला ओबाला, यहाँ पर ये सब हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले जब तक मनीष जी आते हैं मैं चाहूंगा इमरान जी जरा दो शब्द बोले। एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इमरान खान।
आदाब है, गुड इवनिंग, नमस्कार। कभी तो आसमान पे चांद निकले जाम हो जाए, कभी तो आसमान पे चांद निकले जाम हो जाए, आज की शाम लखनऊ के नाम हो जाए। I'm very happy I'm here with this great man standing beside me and I'm calling him great. I respect him much more because ye sab inhone apni azim honorable mata ji apni mom ke liye kiya hai, Shakuntala Devi ji ke liye, aur main har maa ki bahut qadar karta hu aur har bete ki qadar karta hu jo maa ke liye aisa koi kaam kare. To ek bahut badi taaliyon ki gargadahat inke liye, please, he deserves it and much more. तो आज बहुत अच्छा लगा, सुबह से हम लोग यहीं पे हैं, समीर भाई, शाहबाज भाई, हमारे दिलीप सेन साहब एंड राजीव भाई, अमन, वी आर हियर वॉचिंग द किड्स, वॉचिंग पीपल परफॉर्म सो ब्यूटिफुली। रियली आज हरियाणा ने तो कपिल देव को भी प्राउड कर दिया होगा। शानदार मैच देखा, शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम देखा और बहुत मजा आया। एक्चुअली आप लोगों ने हमारा मनोरंजन किया है, थैंक यू वेरी मच, love you all and every year we'll be here for you all, every year we will come here for you, thank you, have fun. Aur Sameer sahab se do shabd suniye, everybody please put your hands together and welcome Sameer and Johnson. Namaskar, bahut bahut pyar, bahut sari duaen. Sabse pehle to main bahut mubarakbad dena chahta hu Satish Mishra ji ko, aaj meri inse pehli mulaqat hai, magar आज के इस दौर में इतनी अच्छी सोच रखने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं इस दुनिया में और उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देख के मैंने एक चीज महसूस किया है बहुत गहराई से और ऐसा मुझे लगने लगा है कि जिनकी आंखें बंद हैं वो ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं, जिनकी खुली हैं उनको सही दुनिया नज़र नहीं आ रही है। तो आप लोगों ने बहुत बड़ा सबक दिया है पूरी दुनिया को। एक बहुत खूबसूरत किसी ने एक शेर लिखा है जो मैं चाहता हूँ कि आज की शाम को मैं समर्पित करके जाऊँ, मगर एक जोरदार ताली चाहिए होगी आपकी इसके बाद। बहुत बहुत कुछ सुनाऊंगा मगर अभी चूंकि इंट्रोडक्टरी ये मीटिंग है हमारी आपकी और हमारा आपका आमना सामना, हम एक दूसरे से रूबरू हुए हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम, क्या बात है, तुम्हारे शहर का मौसम बहुत सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, बोले इससे पहले जितना बोलना बोल लो क्योंकि इनकी आवाज़ के बाद फिर किसी को बोलने का मौका मिलने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी वेरी मच, आई लव यू लखनऊ, गॉड ब्लेस यू। Good evening, लखनऊ। बहुत शुक्रिया, बहुत अभिनंदन है सतीश चंद्र मिश्रा जी का कि उन्होंने यहाँ हमें आमंत्रित किया और एक ऐसी अद्भुत चीज हमने विटनेस की आज जो ब्लाइंड बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। आज पता चला कि हम खुली आंखों से जो नहीं देख पाते हैं मन की आंखों से देख लेते हैं। एक बार इन बच्चों के लिए, इन कलाकारों के लिए जोरदार ताली, जोरदार, नहीं मजा नहीं आया, और जोरदार, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके और शाम को आगे बढ़ेंगे और मुलाकातें होंगी। एक शेर याद आता है हमारे नाबीना बच्चों के लिए, ये खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बताते हैं। थैंक यू सो मच, मैं राजीव भाई से विनती करूंगा कि वो कुछ दो मजा अभी तो ये शुरुआत है, ये सबका थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इंट्रोडक्शन मिल रहा है, धमाका अभी बाकी है और मैं तो आप लोगों के बीच में पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा हूं। मुझे तो ये लग रहा है
ऐसे एक दो साल और आ गया तो कहीं सतीश जी मुझे यहाँ का प्रबंधक ना घोषित कर दे, तुमको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही का फॉलो था। बट चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये जो रिस्पांस है आप लोगों का, ये रिस्पांस ऐसे ही बना रहे जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आज की शाम बहुत कुछ अलग होने वाला है, बहुत कुछ अद्भुत होने वाला है। वो रिस्पांस चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों का लगावे लिपस्टिक, ये देखा रिस्पांस देखते हैं, इसमें ऐसा लगता है लिपस्टिक पोंछने का ठेका इन्हीं लोगों को मिला है। तुम लिपस्टिक लगा लो, हम पोंछेंगे। बिल्कुल मिला करके पूरा माहौल बनाए रखो, सब अच्छा है और बहुत तरह तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, हम लोग बारी बारी से आएंगे, एंटरटेन करेंगे। थैंक यू। और जैसा कि सिलसिले वार तरीके से चल रहा है ना, कि माइक एक के बाद दूसरे को पकड़ाया जा रहा है, तो अब अंतिम बारी हमारे लाल सलाम खड़े हुए हैं, अमर भाई भी चलता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर नितिन मिश्रा सर, आप भी प्लीज मंच पे आ जाएं, हमें आके ज्वाइन कर ले। एंड एवरीबॉडी मेक सम नॉइस फॉर आमिर तिलका, एवरीबॉडी। कैसे हैं लखनऊ वाले? क्या बात है, यही जोश और उमंग जो है हमेशा मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है। सतीश चंद्र मिश्रा जी, मैं आपको ये बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ आज दूसरा साल है, आज मेरा लास्ट ईयर भी मुझे सौभाग्य मिला था, नितिन मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे भाई, और उनके बाद मेरे कह सकते हैं कि उनसे भी बड़े भाई जो है सतीश जी बन के उभरे हैं, और ये जगह ब्लेस्ड है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जगह को ऊपर वाले की शफा है, ऊपर वाले का वरदान है, ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है, जो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं वो आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आप कुछ जो है इंसानियत को बयां करते हैं कि कैसे इंसानियत को जिया जाता है, और कैसे जो एक स्पोर्ट वो सिर्फ स्पोर्ट की तरह नहीं जिंदा दिली से जिया जाता है, और आप वो सिर्फ खेलते नहीं है, आप चैंपियंस बनने के लिए खेलते हैं, तो ये बहुत बड़ा जज्बा है कि सिर्फ आप शॉट नहीं मार रहे हो, आप चौके मार रहे हो, छक्के मार रहे हो, एक को दो बना रहे हो, दो को तीन बना रहे हो, सो दैट्स नॉट नॉर्मल। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसी आज की दुनिया में भी ऐसी सोच रखते हैं और ऐसा इनिशिएटिव लेके हमारे सारे जितने बच्चे हैं और सारे जो उभरते हुए कल के तेंदुलकर, विराट कोहली, सहवाग और बुमराह और सारे जितने हैं यहाँ पे, उनको आप दे रहे हो चांस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बस जाते जाते जो है नितिन जी, अगर आप नितिन मिश्रा जी को मैं अनुरोध करूँगा कि बोल सकते हैं हमारे साथ आए आगे, उनका तहे दिल से धन्यवाद, हर साल सब से सब कुछ होता रहता है, तो इनके इसमें हमेशा साथ के साथ। Thank you so much sir, thank you so much for your kind words and thank you so much everyone, and मैं आपसे भी request करूंगी sir, everybody is demanding कि आप भी दो शब्द कहें, so sir over to you, everybody का जोड़ा ताकि हो जाए कपिल सर के लिए, everybody makes a noise for the vice chairman Mr. Kapil sir is here with us, everybody makes a noise and please put your hands together and welcome Mr. Kapil sir. Sir, I request कि कुछ शब्द कहें for everybody. Being host, मैं पता नहीं कितना बोल सकता हूँ कितना नहीं, बट यहाँ पे जितने भी आए हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, उन्होंने इतना टाइम निकाला, बॉम्बे से आए, अलग अलग जगहों से आए, मैं बस उनको थैंक यू दिल से बोलना चाहता हूँ, और ख़ासतौर से जो आपने आगे यहाँ पे अपनी बातें रखी और जो इन बच्चों का हौसला बढ़ाया जिस हिसाब से, मैं पक्का उम्मीद करता हूँ कि ये सब बच्चे आपकी बातें अपने साथ लेके दिल में लेके जाएंगे, एंड अभी आपके लिए मैं बस यही चाहूंगा कि बस आगे हमारे प्रोग्राम की अब शुरुआत करते हैं यहाँ से, और थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग हियर, एंड एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं, और मैं उससे ज्यादा चाहूंगा एक बार आप सब बच्चे अपनी खुद के लिए ताली बजाएं, जोरदार तालियां अपनी खुद के लिए बजाएं, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Kapil sir, for your kind words. And with this, I request all the dignitaries or our celebrities to please kindly take your seat. As ladies and gentlemen, now we are all set to proceed with this evening with the performances. Are you all equally excited, everybody? Yes. All right. So, ab wo pal aa chuka hai, wo ghadi aa chuki hai, jiske intezar mein I am so sure, sirf main nahi, aap sab the.
तो फाइनली अब हमारे बीच में जो परफॉर्मेंसेस का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है एंड ऑफ कोर्स हमारे बीच में अब जो एंटरटेनमेंट का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है हमारे अंदाज में और अपने अंदाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा वेलकम गीत आप सभी के बीच में प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसके बाद भी ढेर सारी परफॉर्मेंसेस हैं जो हमारे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आप सभी के बीच में शाम में प्रेजेंट होंगे लेकिन फॉर नाउ मुझे लगता है हमारे जो छात्र हैं वो बिल्कुल तैयार हैं Thank you.
मिला ना प्यार जिसे माँ का उम्र भर उसको हर एक चेहरे में बस माँ दिखाई देती है। रब के हम पर करम नहीं होते, माँ ना होती तो हम नहीं होते। माँ से अच्छी मेरे भगवान की सूरत ही नहीं, माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत। आस्था से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है, कोई भगवान हो रहमान या सुल्तान कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। कहते हैं कि अमीर इतने बनो कि कीमती से कीमती चीज खरीद सको, अमीर इतने बनो कि कीमती से कीमती चीज खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि कोई अमीर तुम्हें चाह कर भी खरीद ना सके। हमारे बीच में जो बच्चे हैं ये बहुत ही स्पेशल है एंड दे ऑल आर स्पीचलेस, बहुत ही टैलेंटेड है। आप सबके बीच में जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये सभी परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज ब्रिलियंट, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी तरह से अपनी तालियों का साथ बनाए रखें, क्योंकि अभी हमारे बीच में काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज हैं जो आप सभी के बीच में इस प्यारी सी शाम में प्रेजेंट होने वाली हैं, और अब हम बिल्कुल तैयार हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस के साथ। आप सभी तैयार हैं? सबसे पहले तो मैं इस बच्ची को बहुत तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। मेरे ख्याल से जिस साल फिल्म रिलीज हुई थी उस साल का सबसे बड़ा म्यूजिक ये था, इसके लिए मुझे बहुत सारे सम्मान मिले, मगर आज जो सम्मान इसने मुझे दिया है वो मेरे सारे सम्मानों से ज़्यादा बढ़ के हैं। देखने वालों ने तो इसको बहुत गाया सुना, मगर बच्ची ने आज जिस तरह से मेरे लफ्ज़ों को जो भाव चाहिए जो मोमेंट चाहिए, मेरे ख्याल से अगर माधुरी जी भी देखती ना तो आज इसको जाके चूम लेती।
मैं बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत सारी दुआएं देता हूं और इसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच समीर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड। क्या है दिलों का
शकुंतला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अब हमारे बीच में हमारे जो बच्चों की परफॉर्मेंसेस थी वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अटेंशन को, अपनी निगाहों को हमारे इस एवी में आप सभी बनाए रखें, क्योंकि आप सभी के बीच में हमारे इस स्क्रीन पे एक ऑडियो विजुअल है प्रेजेंट होने वाली है, जो कि जिसमें डॉक्टर शकुंतला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान की एक छोटी सी क्लिप है जो आप सभी के बीच में प्रेजेंट होने वाली है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज गैदर ऑल योर अटेंशन हियर ओवर द एवी एज वी आर ऑल सेट फॉर द एवी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे डीजे पर्सन से, प्लीज प्ले द ऑडियो विजुअल। आसमां की क्या है ताकत जो चुराए लखनऊ, लखनऊ मुझ पर फिदा है, मैं फिदाए लखनऊ। ये है नए और
बदलते लखनऊ की तस्वीर। प्रगति और विकास की इसी धारा में शामिल है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी तथा श्री सतीश चंद्र मिश्र जी के अथक प्रयासों से बना ये विश्वविद्यालय विकलांग विद्यार्थियों विशेषकर दृष्टि बाधितों के लिए आशा की नई किरण लाया है। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस विश्वविद्यालय ने अपनी अलग जगह बनाई है। बेशक वे दुनिया नहीं देख सकते पर उनकी भी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और ललक है आसमान छूने की। इन्हीं दृष्टि बाधितों को प्रोत्साहन तथा सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जिंदगी बसर करवाने के संकल्प के साथ उदय हुआ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान का, जिसके तहत पूरे तन मन धन और शिद्दत के साथ विकलांग विद्यार्थियों को स्नेह सहयोग और जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा दिया है श्री सतीश चंद्र मिश्र ने। इस कार्य के लिए श्री मिश्र की प्रेरणा स्रोत रही उनकी माँ। मैं कोर्ट की तैयारी के लिए था, उस समय हमारी माता जी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आज का न्यूज़पेपर जो उन्होंने पढ़ा उसमें ब्लाइंड वर्कशॉप उसके बारे में काफ़ी खराब स्थिति के बारे में लिखा गया था और उसमें काफ़ी दुर्दशा थी। उसको देख करके उन्होंने हमसे कहा कि तुम आज कोर्ट जाने के पहले ब्लाइंड वर्कशॉप जाओ, वहाँ उनकी कंडीशन देखो और कंडीशन देखने के बाद ये देखो कि तुम उसमें कोर्ट के द्वारा इनको क्या रिलीफ दिला सकते हो। इस तरह का उन्होंने हमको निर्देश दिया। ब्लाइंड वर्कशॉप जा करके हमने जब उनकी दुर्दशा देखी उसको देख करके हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अपने नाम से फाइल की। न्यायमूर्ति श्री त्रिवेणी सहाय मिश्र की पत्नी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा को अपने पति का हमेशा प्रोत्साहन मिलता था। इसी का नतीजा था दृष्टिबाधित विकलांग जनों के लिए स्पर्श राजकीय इंटर कॉलेज, जिसमें डॉक्टर शकुंतला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान के सद प्रयासों से अकल्पनीय उन्नति हुई। जो हमारे कॉरिडोर बना हुआ है, जो हमारी रोड बनी है, जो हमारी बाउंड्री बनी है, बाउंड्री वाल चारों ओर जो बनी हुई है, ये कोर्ट से माननीय मिश्रा सर ने हम लोगों को प्रदान कराई। हर साल संस्थान द्वारा अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पूरे देश के अनेक राज्यों से आए विकलांग विद्यार्थी इसमें शामिल होते रहे हैं। विद्यार्थियों के प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के मशहूर क्रिकेटर्स भी यहां आए हैं। कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, रुद्र प्रताप सिंह, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह और मनोज प्रभाकर जैसे वरिष्ठ क्रिकेटर्स ने यहां आकर मान बढ़ाया है। आज जो मैंने क्रिकेट देखी वो क्रिकेट हमारी क्रिकेट से कहीं अच्छी है। आधे घंटा जो मैं बीच में था इनके मैदान में, मुझे ऐसा लगा कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन और इनकी सोच एक ऑर्डिनरी इंसान से 100 गुना ज्यादा है। आपने किस तरीके से अपनी जो परेशानी है या दुश्वारी है उसके बावजूद आपने पूरा जोश दिखाया। पूरे टीमों को मैं बहुत बहुत बेस्ट विशेष अपने देना चाहता हूँ और आप लोगों ने अच्छा टूर्नामेंट अच्छी तरह से खेले और जो बेस्ट टीम रहेगी वो जीतेगी और उसके बाद में आप एंजॉय करिए। आपके ये 3-4 दिन आप एंजॉयमेंट के लिए खेलने के लिए मैं बहुत बहुत सर का भी प्रशंसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने आज तक कभी देखा नहीं था और कोशिश भी की खेलने की और पता चला कि कितना मुश्किल है। तो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी नाइस टू वॉच और एक बड़ा एक्साइटिंग गेम ऑफ क्रिकेट देखने मिला। यहाँ पे एक ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें सारी टीम्स आ रही हैं, सारा कुछ है। हमने कहा शायद हमारा सौभाग्य है कि भाई हमें ऐसा जो है मैच पहली बार जिंदगी में देखने को मिले। बहुत मज़ा आया इस मैच को देख के। फाइनल्स जो हैं वो आज थे और हम लोगों ने थोड़ा खेल के भी देखा कि भाई कितना डिफिकल्ट होता है ये, वो भी किया। बहुत ही मुश्किल है
कि अरबाज खान साहब, जिमी शेरगिल साहब आए हर वर्ष की तरह। ये इसके पहले वहीदा जी आई, अनिल शर्मा जी आए, कपिल देव आए, बहुत से लोग आए, अलग अलग क्रिकेटर्स में सबने आकर के उत्साह बढ़ाने का काम, फिल्मी हस्तियां हों, क्रिकेटर्स हों, इन सबको इसमें इन्वॉल्व करके, जिससे कि आम जनता को ये लगे कि ये लोग जो हैं ये दया के कोई पात्र नहीं है। आज जब ये क्रिकेट में ब्लाइंड हो करके भी और ये बॉल का कैच कर सकते हैं और चौवे छक्के मार सकते हैं, तो ये दुनिया का हर काम कर सकते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा। थैंक यू चेयरमैन सर। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के नाम से डिसेबिलिटीज यूनिवर्सिटी बनी थी जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको एक नया नाम दिया, कहा दिव्यांग जन। ये हम उनको कहते रहे कि हम पिछले 35 वर्षों से चूंकि इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनका दर्द हम जानते हैं, इनका एहसास जानते हैं, खास तौर से ब्लाइंड्स जो इनके बीच डिसेबल्स में ब्लाइंड्स होते हैं, हम लोग डिसेबल्स के लिए हम लोगों ने यहाँ राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट एक बनाया जो कि 2016 में पास किया गया। उसके तहत 4% का रिजर्वेशन डिसेबल्स के लिए रखा। उसके तहत में इन्होंने रेलवेज में रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद जो रिजर्व पोस्ट हैं खाली इन्हीं को मिल सकती, किसी और को नहीं मिल सकती, उसमें रिजर्वेशन के तहत जो अपॉइंटमेंट मिलना था अपॉइंटमेंट में सिलेक्शन हो गया, सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन अपॉइंटमेंट उनको नहीं दिया जा रहा। कई महीनों से वो इसके लिए धक्के खा रहे थे। उन्होंने इसके लिए एक पीसफुल प्रोसेशन प्रोटेस्ट किया। पिछले 16 दिनों से वो सड़क पर धरना देकर के बैठे हुए थे सड़क के किनारे। कल मंडी हाउस में जब 16वां दिन हो गया और उसके बाद जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने वहाँ पर आकर के, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आकर के उनको बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी किया, लाठियों से मारा। ये लोग खाली इस तरह के प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि हमको ये कोई भिखारी नहीं है, दे आर नॉट बेगर्स, दे डोंट वांट, दे से दैट वी आर फाइटिंग फॉर आवर ओन राइट्स। जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको मेरा अनुरोध है, उनसे डायरेक्टली भी आपके माध्यम से भी है, कि वो इसको देखें और उनको ये उनको जस्टिस दिलाएं, वो जस्टिस मिलने के बाद वो कम से कम अपना जीवन यापन कर सकें। कितना गरीब आदमी, और बहुत शुक्रगुजार हूँ मिश्रा जी का कि वो इस कदर एक बेनिफिट ऑफ सच ए नोबल कॉज इज डूइंग। ये मैं यहाँ देखकर बहुत ही इमोशनल हुआ हूँ कि आज हमारे बीच में नीरज पांडे जी हैं जिन्होंने धोनी फिल्म को दिया और जिससे हर क्रिकेटर और हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। नीरज पांडे जी की आपको आशीर्वाद। उस दिन धोनी रिलीज हुई थी उससे ज्यादा खुशी आज मुझे यहाँ होने में लग रहा है, आज देखने को मिल रहा है। और आप लोगों को प्यार के साथ साथ आप लोगों को मेरे तरफ से एक अप्लॉज कराऊंगा। बात है इंडिया का वर्ल्ड कप आपने भी जीता, आप वर्ल्ड कप ये इंडियन टीम भी जीत के आएंगे और जो जो उस टीम में थे स्पेशल मुबारकबाद। जिसको दिशा नहीं भी दिख रही या कुछ नहीं दिख रहा वो भी यहाँ पे आके मार्गदर्शक बन जाता है, तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि इस जमीन पर मैं।